दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VMG Birds में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कबूतर के बच्चे मर क्यों जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कबूतर के बच्चे के मरने की वजह क्या है। जैसा कि अभी इस वक्त देख रहे हो दोस्तों, ये चिक्स है मेरा जो कि शायद अब नहीं रहा इस दुनिया में, इसे मैं दफना दूंगा ज़मीन के अंदर। देखो, ये मर गया। ये मरने की वजह बताया तो आप लोगों को क्या हुआ मेरे साथ ऐसा। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि किसी भी भाई के कबूतर के एक भी बच्चा मरे नहीं। दोस्तों, हुआ क्या, एक्चुअली में ये कबूतर का बच्चा जो है ये खुद से नहीं खा पा रहा था, और इसके जो ये एक दरवे के अंदर था इसके माँ बाप पाल रहे थे, और कबूतर उसी दौरान दूसरे अंडा डाल दिया। तब कबूतर उस अंडे को शिकायत करने के चक्कर में इसे दाना चुगाना बंद कर दिया, और इसका पूटा पूरा खाली होने की वजह से ये मर चुका है। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपके किसी भी कबूतर ने दूसरे, मतलब कि इसको छोड़ के कहीं और फिर से लेफ्ट लॉफ्ट के अंदर अंडे डाल दिए, अंडे की शिकायत कर रहा है, तो ऐसे चिक्स को आप खुद ही दाने चुगाएं, हाथ से खिलाएं, इसको चने को पानी में डाल दें, फुला के चने डालें, और ख़ुद इसको प्रोटेक्ट करना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि आपके कोई भी कबूतर का बच्चा मरे नहीं। भाई बहुत दुख होता है जब आपके कोई भी परिंदे इस तरह से मर जाए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ कि कोई कबूतर का बच्चा इस तरह से डेथ कर गया हो, देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान दें। और इससे करना क्या दोस्तों, उस बच्चे को खुद से खिलाना है आपको, और जब तक खिलाना, जब तक बच्चा खुद सेल्फ ना हो जाए, वो खुद दाना खाने ना लगे, आपको चने खिलाना है, पानी चेक करना है। इसे आप दो टाइम कबूतर के बच्चे को खिला सकते हो, और खुद कुछ दिनों के बाद जब ये बड़ा हो जाता तो खुद खाने लगता। और जैसे कि देखिए दोस्तों, मैं भी सारे कबूतर को बाहर निकाला हूँ, तो सोचा कि आज आप लोगों को शेयर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों, अगर कबूतर कि बच्चा पालना बंद कर दे तो आप क्या करें। इसी तरह से दोस्तों, आप भी कर सकते हो कि उसे चने खिलाना है, ताकि आपको कोई भी कबूतर का बच्चा नेक्स्ट दफ़ा से मरे नहीं। और आपको अपने दरवे में कबूतर को चेक करते रहना है कि इस कबूतर के पोटी में दाना है या नहीं है। यहाँ ये जो पोटा होता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल सूखा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो उस तरह से आप अपने कबूतर के बच्चे का पोटा चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कबूतर इस वक्त दाना खाए हुए हैं। देखो दोस्तों, इसका एक दोस्त आया है, देखो इस, देखो कबूतर, बहुत दुख होता है, और शायद इसके परिवार में आज बहुत ही दुख की बात है कि भाई एक जो छोटा सा बच्चा था जो बड़ा होकर इनके परिवारों के साथ रहता, और इनका परिवार थोड़ा सा खाली खाली सा नज़र आ रहा है। शायद अगर आप कबूतर पाल लें तो दोस्तों इस तरह की घटनाएँ आपके साथ होते रहेंगे, लेकिन आप यही कहूँगा कि दोस्तों आप अपने कबूतर का ख्याल अच्छे से रखिए, कबूतर के बच्चे का रोज़ चेकिंग करें कि दोस्तों आपका कबूतर ये फीड किया हुआ है या नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो उसे तुरंत फीड कराएं, और इस तरह से अपने कबूतर के बच्चे को मरने से आप बचा सकते हैं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कोई भी भाई के इस तरह से जिस तरह से मेरे कबूतर के बच्चे मर चुके हैं, इस तरह से किसी भी कबूतर के बच्चे ना मरे।